कानपुर देहात में मंगलवार को एक दंपत्ति डीएम से मिलने पहुंची। बताया है कि दबंगों ने उसके घर पर कब्जा कर लिया है, परिवार के साथ उसे भी बेघर कर दिया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। 1.5 साल से न्याय की आस में पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रहा हूँ, अभी तक कोई सुनवाई भी नहीं हुई है। इस पर डीएम ने क्षेत्र अधिकारी भोगनीपुर को जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, पूरा मामला भोगनीपुर थाना क्षेत्र के सितरा बुजुर्ग गांव का है। यहां के अरविंद कुमार ने बताया कि गांव के पास उनकी 14 बीसवा जमीन है, उस पर मकान बना हुआ है। कई साल पहले गांव के उत्तम सिंह, शत्रुघ्न सिंह और उनके परिवार को सहारा देते हुए मैंने अपनी जमीन दे दी थी। कुछ दिन बाद उन्होंने जबरन उस घर और जमीन पर कब्जा कर लिया, उसे, उसकी पत्नी और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। अरविंद ने बताया कि घटना को लेकर वह थाने भी गया था, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला। अरविंद ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने दबंगों के कहने पर उसी पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कर दिया। न्याय के लिए पिछले 1.5 साल से वह अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसे अभी तक कोई भी न्याय नहीं मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।